हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। CSS लेक्चर सीरीज कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट द प्लेलिस्ट, उसकी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आज हम वापस आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स IDs के बारे में। यूनिक्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप लोगों ने विंडोज का नाम सुना होगा। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट विंडोज़ के अंदर जो है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कमांड नॉलेज। विंडोज़ के अंदर जो हम डायरेक्टली क्लिक एंड बिट प्रोसेस पे वर्क करते हैं, हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं किसी भी फाइल पे, किसी भी सिस्टम पे, और वो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, ऑटोमेटिकली हम उन फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बट यूनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, यूनिक्स के अंदर हमारे पास जो है, हमें कमांड लाइन की जो है, हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है हम उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशंस आती है यूनिक्स IDs की, वो कमांड लाइंस की जो हम बात कर रहे हैं, कमांड्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो उसको भी जो है यूज़ करने के लिए हमें एक ID की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं यूनिक्स ID। तो ईच यूज़र ऑफ ए यूनिक्स अकाउंट हैज़ ए यूनिक ID। जिस तरीके से विंडोज़ के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है विंडोज़, उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो जो अकाउंट होता है उसकी भी एक ID होती है। इसी तरीके से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर जो भी यूज़र होगा, अगर मल्टीपल यूज़र्स हैं यूनिक्स अकाउंट एक सिस्टम के अंदर, तो उनकी जो है यूनिक मल्टीपल IDs होगी, जिसे हम बोलते हैं UID, दैट इज़ यूनिक्स ID, यूनिक्स आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे UID 0 करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाती है, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है UID 0 का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, UID 0 होता क्या है बेसिकली, उसे हम जानते हैं। अब UID 0 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो UID 0 का मीनिंग होता है सुपर यूज़र। UID 0 मीन सुपर यूज़र, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन को होता कौन होता है, जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जब हम हमारे लैपटॉप को या सिस्टम को ऑन करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम पासवर्ड डालते हैं जो भी हमारे पास इंटरफेस आता है, और उसके बाद एक लोडिंग पेज ब्लू कलर का ओपन होता है, और वहाँ पे हमें दिखाता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर नेम, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर का नेम होगा आपको वहाँ पे वो दिखाएगा, अदरवाइज आपका वहाँ पे नॉर्मल एडमिन दिखाता है। तो वो जो सुपर यूज़र होता है, जो आपके सिस्टम को ओपन कर सकता है, सिस्टम को इनेबल कर सकता है फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, वो होता है हमारा सुपर यूज़र, सिस्टम एडमिन, जिसे हम बोलते हैं UID 0। तो UID 0 जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। जो यूनिक्स प्लेटफॉर्म होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर जो यूज़र अकाउंट होता है, वो मल्टीपल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। अब ये मल्टीपल ग्रुप्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये ग्रुप्स इन फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूनिक्स आईडी के बारे में, UID के बारे में। इसी तरीके से जो है हमारे यूज़र अकाउंट जो है यूनिक्स के अंदर दो फॉर्म में होता है, UID एंड GID पेयर, यूनिक्स आईडी पेयर और ग्रुप आईडी पेयर्स की फॉर्म में जो है एसोसिएटेड होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर एक IDs जो हम बात कर रहे हैं, यूज़र ID, प्रोसेस ID, इसके अंदर एक डिटोर यूनिक्स नाम का टॉपिक होता है। डिटोर यूनिक्स क्या करता है, आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको इंट्रोड्यूस करता है जितनी भी यूज़र IDs होती है या प्रोसेस IDs होती है हमारी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो डिटोर यूनिक्स एक उसका आपका इंट्रोडक्शन है अबाउट ऑल यूज़र IDs एंड प्रोसेस IDs। अब एवरी यूज़र इन यूनिक्स लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आइडेंटिफाइड डिफरेंट इंटीजर नंबर, दैट इज यूनिक नंबर एंड कॉल्ड ए यूज़र ID। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विंडोज़ के अंदर जो है एडमिन की एक स्पेशल यूनिक आईडी होती है, इसी तरीके से यूनिक्स के अंदर भी जो है एक यूनिक नंबर, यूनिक इंटीजर नंबर जो आइडेंटिफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर यूज़र की आईडी को डिफाइन करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं यूज़र आईडी, दैट इज़ UID। अब UID की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि UID कितने टाइप्स की हो सकती है हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ UID डिफाइन फॉर ए प्रोसेस। उसके अंदर 3 टाइप की यूज़र आईडी यहाँ पर डिफाइन की गई है, जो कि क्या करती है, डायनेमिकली चेंज करती रहती है एज पर द प्रिविलेज ऑफ टास्क। अब प्रिविलेज क्या होता है, प्रिविलेज का मीनिंग होता है एक स्पेशल राइट फॉर ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। एक प्रिविलेज का मीनिंग होगा कि एक स्पेशल पर्सन जो है या एक स्पेशल ग्रुप ही जो है आपके सिस्टम को, आपकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। सो यहाँ पे 3 टाइप के डिफरेंट यूजर आईडीज डिफाइन की गई है। पहली आपकी रियल यूजर आईडी, रियल यूजर आईडी होगी आपकी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी, या फिर जो अभी हमने पीछे बात की थी सुपर यूजर, यानी कि सिस्टम एडमिन। अब रियल यूजर आईडी के अंदर क्या होता है, रियल यूजर आईडी का जो ओनर होता है, अकाउंट का जो ओनर होता है, सिस्टम का जो ओनर होता है, उसके पास ये यूजर आईडी रहती है, और उस UID की हेल्प से जो है वो किसी भी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है किसी भी प्रोसेस की आपके सिस्टम के अंदर। सेकंड आती है इसके अंदर हमारी इफेक्टिव यूजर आईडी। अब इफेक्टिव यूजर आईडी भी जो है एक तरीके से रियल यूजर आईडी होती है, आप इसे कह सकते हैं इट इज़ अ कॉपी ऑफ रियल यूजर आईडी, कॉपी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। बट इसके अंदर क्या होता है, कुछ नॉन प्रिविलेज्ड यूजर, नॉन प्रिविलेज्ड यूजर का मतलब क्या होता है,
अदर देन ऑथराइज्ड यूजर कुछ लीगल पर्संस के पास भी जो है आपकी फाइल्स को एक्सेस करने के, आपके सिस्टम को एक्सेस करने के राइट्स रहते हैं, और उस यूजर आईडी को हम बोलते हैं इफेक्टिव यूजर आईडी। बट यहाँ पे जो है सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी कि रियल यूजर आईडी, वो जो है किसी भी फॉर्म में कहीं से भी जो है किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता है। बट जब बात आती है इफेक्टिव यूजर आईडी की, तो उसके अंदर जो है इफेक्टिव यूजर आईडी के ओनर को, इफेक्टिव यूजर आईडी के पर्सन को क्या करना होगा, रूट के थ्रू का मीनिंग है मतलब सिस्टम की स्टार्टिंग डायरेक्टरी से ही जो है सारी फाइल्स को एक्सेस करना पड़ेगा। देन इसके अंदर थर्ड टाइप की यूजर आईडी आती है हमारी सेव्ड यूजर आईडी। अब सेव्ड यूजर आईडी के अंदर क्या होता है, अंडर प्रिविलेज्ड वर्क जो होता है, अंडर प्रिविलेज्ड वर्क का मीनिंग है सपोज मैं एक सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं एक सिस्टम का ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, मैं उनकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। बट अब अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे प्रिविलेज में, मेरे अंडर में जो है कुछ पर्संस को जो है कुछ यूजर आईडी बना के दे देता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ सब यूजर आईडीज या फिर सेव यूजर आईडी, तो ताकि वो भी जो है उन फाइल्स को एक्सेस कर सके। बट सेव्ड यूजर आईडी जो होती है एक तरीके से टेम्प्रेरी यूजर आईडी होती है, जो कि किसी नॉन प्रिविलेज्ड अकाउंट यानी कि अनऑथराइज्ड या फिर अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन को जो है ये आईडी दी जाती है। अब सेव्ड यूजर आईडी के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी फाइल्स है वो टेम्प्रेरी पर्सन, जिसे हम बोल सकते हैं फिर नॉन प्रिविलेज्ड अकाउंट का जो ओनर है, पर्सन है, वो उन फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। सो तीन टाइप की आईडी होती है, रियल यूजर आईडी, इफेक्टिव यूजर आईडी एंड सेव्ड यूजर आईडी। अब इसके अंदर जो है लास्ट एक छोटी सी लाइन आती है, जिसे मैं यूआईडी जीरो की मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक यूजर जो होगा यूनिक्स के अंदर। अब साइबर सिक्योरिटी की बात करती है तो हम यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, बिकॉज दे आर मोर सिक्योर देन विंडोज। तो इनके अंदर जो है मल्टीपल आईडीज होती है यूजर की, जिसे हम यूनिक यूआईडी बोलते हैं, यूनिक यूजर आईडी। तो यूआईडी जीरो का मीनिंग होता है सिस्टम एडमिन यानी कि सुपर यूजर, क्योंकि सिस्टम का रियल ओनर है, सिस्टम की सारी फाइल का एक्सेस है जिसके पास, वो सिस्टम के अंदर कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। तो एक यूजर अकाउंट जो है मल्टीपल ग्रुप्स में बिलोंग करता है। अब वो सब्जेक्ट किन प्रोसेसेस में हो सकता है, वो हमारे एसोसिएटेड होते हैं हमारी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूआईडी फॉर्म में यानी कि यूजर आईडी पेयर की फॉर्म में, और जीआईडी यानी कि ग्रुप आईडी पेयर में। अब ये आईडी मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन की, तीन टाइप की होती है डिटोर यूनिक्स नाम के टॉपिक के अंदर, रियल यूजर आईडी, इफेक्टिव यूजर आईडी एंड सेव्ड यूजर आईडी। थैंक यू।